सागर में यात्री बस हड़ताल का आज 10वां दिन है। यात्री बस नहीं चलने की वजह से हजारों मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड सागर। 2 गुना 3 गुना किराया देकर अपना सफर कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन इस पर कुछ कहने को तैयार है और जनप्रतिनिधियों ने भी चुप्पी साध ली है। इसके बाद बस ऑपरेटर्स यूनियन के लोगों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ईमेल के माध्यम से इस संबंध में जानकारी भेजी है और उन्होंने कहा कि जनहित की मांग को देखकर आप इसमें हस्तक्षेप करें। बस हड़ताल में 549 यात्री बसों के पहिए थमे हुए हैं। इन बसों में रोजाना 20,000 से 25,000 यात्री सफर करते थे। इसमें सागर के अलावा छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, नागपुर, इंदौर, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली तक रोजाना चलने वाली यात्री बसें प्रभावित हैं। यूनियन के संरक्षक ने बताया कि करोड़ों की लागत से शहर से इतनी दूर बस स्टैंड बना दिया गया तो ना तो यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था है, ना ही महिलाओं की सुरक्षा है। आज पूरा शहर बस हड़ताल को समर्थन कर रहा है। 100 साल पुराना यह बस स्टैंड है, यहीं से यात्री बसों का संचालन किया जाना चाहिए। कोई भी यात्री कहीं से आए उसके लिए सभी जगह पास पड़ती है और बेहद मामूली किराए में वह इधर से उधर पहुंच जाता है, लेकिन न्यू बस स्टैंड के शहर के अंतिम छोर पर पहुंचने की वजह से आने जाने वाले कर्मचारी, स्टूडेंट, व्यापारी वर्ग सभी लोग परेशान हैं। और हम शासन से कुछ नहीं मांग रहे यात्री, एक रुपए की सहायता नहीं मांग रहे, ना कुछ अलग से मांग रहे। जो 50 वर्ष से 100 वर्ष से बस स्टैंड चालू था उससे चालू करने की मांग कर रहे हैं। अतिरिक्त मांग नहीं है कि शासन सोच रहा है, वहाँ करोड़ों रुपए लगा दिए, लगाने के पहले नहीं सोचा कि शहर से 12 किलोमीटर दूर हम बस स्टैंड बना रहे हैं आबादी विहीन एरिया में, वहाँ पे यात्री महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, आम यात्री की सुविधा नहीं है। अभी बस स्टैंड वहाँ पे बंद है, लेकिन उसके बाद भी 3 दिन पहले गोलियां चल गई वहाँ वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट की गई, तो कहाँ से जनता सोच ले कि वो जगह सुरक्षित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को, लाडली बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त दिया है रक्षाबंधन मनाने को, लेकिन सागर के प्रतिनिधि और सागर के मंत्री और विधायक ही नहीं सोच रहे कि 250 रुपया में तो वहाँ पे ऑटो से आने जाने का खर्च हो जाएगा। हमारी अतिरिक्त मांग नहीं है, हम तो ये जो 100 साल से ये पुराना बस स्टैंड चल रहा था उसको संचालन प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं यहाँ से। उसके बाद भी प्रशासन नहीं सोच रहा, राजनीतिक प्रतिदिन नहीं सोच रहे। हमने मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया है कि आप प्रदेश के मुखिया हैं और 9 दिन से हम लोगों की हड़ताल चल रही है, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, तो आप जनहित में आप हस्तक्षेप करके पुराने बस स्टैंड से संचालन प्रारंभ कराएं, ऐसा उनसे निवेदन किया है। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।